हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 7 अगस्त 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक पॉजिटिव थाट से। द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। ओके, तो आपकी रियलिटी और आपके सपनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपका एक्शन। ओके, आप जैसा एक्शन लेंगे उसका प्रभाव आपके गोल पे पड़ेगा। तो पूरी मेहनत के साथ शुरुआत कीजिए अपने गोल की तरफ और आगे बढ़ते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। हाल ही में मार्क एंथोनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। HDFC बैंक के नए MD और CEO के रूप में RBI ने शशिधर जगदीशन को मंजूरी दी है। हाल ही में नितिन गडकरी ने रेशम मास्क का उपहार बॉक्स लॉन्च किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में बंगस आवास मेला मनाया गया। UK भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए महात्मा गांधी की स्मृति में सिक्का जारी करेगा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने ई ज्ञान मित्र नाम का ऑनलाइन शिक्षा ऐप लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। हाल ही में मिजोरम में थानजोल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने हिमाचल प्रदेश में IIM सिरमौर की आधारशिला रखी है। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शन असम चैनल का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के YouTube चैनल सहकार कूप ट्यूब NCDC इंडिया को नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। बेंगलोर रेलवे स्टेशन में UV बैगेज बात नामक एक कोविड रोकथाम कियोस्क का उद्घाटन किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड PNG और ITC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नोबल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुथॉन ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक लॉन्च की है। नवल किशोर राम को PMO में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेशनल बैंक ऑफ बहरेन ने इन्फोसिस फिनकल को उसके लेन देन बैंकिंग बिजनेस के डिजिटल रूप को बदलने के लिए चुना है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे GC मुर्मू, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। तो उनकी जगह में अब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नया लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया है और उनका नाम है मनोज सिन्हा। ओके, तो मनोज सिन्हा जी बने हैं जम्मू और कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो देखिए इसे कुछ और टाइप के क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं, तो अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। या कभी कभी पूछ लेता है कि जो यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो उसका आंसर भी होगा प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनका। इसके अलावा पूछ सकता है जो मनोज सिन्हा हैं उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश की गाजीपुर। ओके, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है गाजीपुर। इसके अलावा मनोज सिन्हा जी एक जूनियर रेलवे मिनिस्टर के तौर पे भी कुछ दिनों तक कार्य कर चुके हैं। तो जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 में। ओके, और लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं अभी मनोज सिन्हा जी। और कैपिटल हैं जम्मू और कश्मीर की, विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कौन सी विंटर है कौन सी समर। ऐसे श्रीनगर, ऐसे समर। ओके, तो ऐसे याद रखिए, समर कैपिटल श्रीनगर और विंटर कैपिटल जम्मू। उसके अलावा जो जम्मू की केसर है या सैफ्रॉन है, ओके, तो जम्मू की केसर को मिला है अभी हाल ही में GI टैग। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, जम्मू की सैफ्रॉन को मिला है GI टैग। और अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर में जो 370 समाप्त हुई थी पिछले साल, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए अभी हाल ही में जम्मू में मनाया गया था बंगस आवाम मेला। ओके, बंगस आवाम मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार सीरीज ऑन हाइड्रोमीटीरोलॉजिकल हैज़ार्ड रिस्क रिडक्शन।
इस संस्थान ने हाइड्रो मौसम संबंधी जोखिम न्यूनीकरण पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है यानी कि NIDM के NIDM ने अभी ऑर्गेनाइज़ करा है हाल ही में एक वेबिनार जो कि सीरीज़ है जो भी हाइड्रो मौसम संबंधी जोखिम होते हैं उनके रिडक्शन के लिए, उनके रिस्क रिडक्शन के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है NIDM ने, किसके कोलैबोरेशन के साथ, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में इसे लॉन्च किया गया है। तो जो भी मौसम से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो भी ख़तरनाक मौसम से रिलेटेड इशू हैं जैसे कि थंडर स्ट्रॉम हो गया, लाइटनिंग, बादलों का फटना, बाढ़, साइक्लोन, स्ट्रॉम के, उसके अलावा जो भी क्लाइमेट चेंज हैं या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, तो इन्हीं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए या कैसे इनसे बचाव किया जा सके, इनके आने पे क्या क्या करना है के, तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वेबिनार को लॉन्च किया गया था कि जो भी इस टाइप के हैज़ार्ड आते हैं तो उनके टाइम पे जो रिस्क होता है तो उस रिस्क को कम करने के लिए हमें कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए ताकि हम अपने साथ साथ जो हमारी कम्युनिटी है और आसपास के लोग बाग हैं उनको भी सुरक्षित रख सकें। तो इसी सीरीज़ में ये वेबिनार ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट हिरोशिमा डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को हिरोशिमा दिवस 2020 मनाया गया? तो भी 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा डे 2020। तो हर साल 6 अगस्त को एटॉमिक बॉम्बिंग जो हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान के हिरोशिमा में, उसकी एनिवर्सरी के तौर पर मनाया जाता है। हिरोशिमा है जापान में और वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था उस टाइम पे 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने हिरोशिमा में एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था। उस एटॉमिक बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय के। तो लिटिल बॉय को वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म करने के उद्देश्य से जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था और वो बॉम्ब जो था इतना बड़ा था कि एट द टाइम, मतलब बॉम्ब के साथ ही वहाँ पर 70,000 पीपल्स की डेथ हो गई थी जो कि उस समय जो सिटी थी हिरोशिमा उसका 90% पॉपुलेशन था। उसके बाद लगभग 10,000 पीपल जो थे वो रेडिएशन में आने की वजह से ख़त्म हो गए थे। तो तब से लेके अब तक हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे ताकि जो पीस है उसको फैलाया जा सके, शांति फैलाने के लिए। उसके अलावा जो न्यूक्लियर वेपन है और न्यूक्लियर एनर्जी है वो कितनी ख़तरनाक है, उसके दुष्परिणाम के बारे में भी अवेयरनेस फैलाया जा सके। तो ये अगस्त के जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के, पूरा हफ्ता भर चलेगा ये इवेंट और इस साल की थीम रखी गई है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानट। उसके बाद 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड लंग कैंसर डे और 2 अगस्त को मनाया गया फ्रेंडशिप डे जो कि आपको पता है कि अगस्त के पहले संडे को मनाया जाता है और इस साल पहला संडे था 2 अगस्त को। उसके बाद 3 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड संस्कृत डे जो कि जो सावन का महीना होता है तो उसकी जो पूर्णमासी की रात होती है यानी कि फुल मून की नाइट होती है उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड संस्कृत डे हिंदू कैलेंडर के मुताबिक। और नेक्स्ट था 6 अगस्त, तो 6 अगस्त को भी मनाया गया हिरोशिमा डे के। तो जैसे जैसे नए नए डेज जुड़ते जाएंगे इस लिस्ट में मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा और साथ ही रिविज़न भी कराता जाऊँगा। तो कोशिश यही करिएगा कि एक तरफ से सीरियल वाइज सारे डेज को याद रखने का, तो ऐसे में आपको आसानी होगी याद रखने में और जल्दी भूलेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च प्राइड ऑफ पंजाब प्रोग्राम एज अ पार्टनरशिप बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड युवा इनिशिएटिव ऑफ यूनिसेफ। राज्य सरकार और यूनिसेफ के युवा पहल के बीच साझेदारी के रूप में प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है प्राइड ऑफ पंजाब और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विथ जो यूनिसेफ का प्रोग्राम है युवा इनिशिएटिव ओके। तो इस युवा इनिशिएटिव के साथ पार्टनरशिप में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो इस प्रोग्राम का एम ये है कि जो पंजाब के यंग पीपल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा सके प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी यूथ हैं ताकि वो अपने जो भी एस्पिरेशंस हैं उनके जो भी सपने हैं उनको रियलाइज़ कर सकें वो और उसी दिशा में आगे बढ़ सकें, साथ ही अपने कम्युनिटीज़ के लिए वो एक बेहतर लीडर बन सकें और अपने थ्रू आउट जो उनकी जर्नी है जीवन की तो उस जर्नी में अपने से यंग पर्सन्स को वो सपोर्ट कर सकें। यूनिसेफ की बात करें तो इसका पहले नाम था यूनाइटेड नेशंस
इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ, और ये नाम चला था 1946 से 1953 तक। उसके बाद 1953 के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, अब इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरीटा होल्समैन फोर, और यूनिसेफ के इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर यास्मीन अली हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक फर्म हैज़ लॉन्च्ड कोविड-19 स्क्रीनिंग सर्विस एम हेल्दी। हाल ही में किस टेक फर्म ने कोविड-19 स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्दी लॉन्च की है? अभी हाल ही में टेक महिंद्रा ने लॉन्च किया है एक स्क्रीनिंग सर्विस जिसका नाम है एम हेल्दी। तो टेक महिंद्रा ने लॉन्च किया है एम हेल्दी, और ये एम हेल्दी एक सॉल्यूशन है जिसमें यूज़ किया गया है टेक्नोलॉजीज़ का, जैसे कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। ओके, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है मेनली जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनको कोविड-19 के खिलाफ सेफ करने के लिए। तो इस कैंपेन के तहत जो टेक महिंद्रा है वो एक एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग को कंडक्ट कराएगा, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मीडिया हैं, कोविड वॉरियर्स हैं मीडिया फील्ड से, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के, तो उनके लिए एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग रखी गई है। ओके, ये स्क्रीनिंग 3 दिनों तक चलेगी, और इस स्क्रीनिंग में लगभग 4,500 यानी 4,500 मेंबर्स जो हैं प्रेस क्लब के उनको स्क्रीन किया जाएगा कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WTF स्पोर्ट्स। हाल ही में किस खिलाड़ी को WTF स्पोर्ट्स के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, ओके, इन दोनों को, यानी कि बोथ 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर, तो इन दोनों को अभी नियुक्त किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WTF स्पोर्ट्स। ओके, तो WTF स्पोर्ट्स है क्या? ओके, तो जो WTF स्पोर्ट है ये एक फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग है, यानी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग जो ऐप हैं वो आती हैं, जैसे MPL हो गया, और भी बहुत सी ऐप हैं, तो इसमें वर्चुअल स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे जो भी मतलब अगर लाइव स्पोर्ट हो रहे हैं तो उसमें आप वर्चुअल टीम क्रिएट कर सकते हैं और उन पे आप बेटिंग कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं, तो उसी टाइप का ही एक प्लेटफॉर्म है WTF स्पोर्ट्स, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। उसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर का एक और न्यूज़ है जो प्रोडॉट है। ठीक है, प्रोडॉट है जो प्रिंटर होते हैं उनकी कार्टिज वगैरह बनाता है, मतलब मेनली ये प्रिंटिंग और डिजिटल मीडिया फील्ड से है। ओके, तो इन्होंने अभी हाल ही में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड एक्टर रजत कपूर को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड $ टू इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड ऑफ UNOSSC। भारत ने UNOSSC के भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष में कितने $ का योगदान दिया है? तभी हाल ही में भारत ने 15.46 यानी $15.46 million फंड में जमा कराए हैं, जो इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है UNOSSC का, उस फंड में। तो जो $15.46 million हैं इनमें से जो $6 million हैं ये हैं ओवरऑल फंड, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ एलिजिबल हैं इस पार्टनरशिप के लिए उन कंट्रीज़ के लिए। उसके अलावा जो $9.46 है यानी 9.46 million है ये डेडिकेटेड है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके लिए। ओके, तो जो चेक है वो दिया गया है जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN में। ओके, उनका नाम है TS त्रिमूर्ति, तो TS त्रिमूर्ति ने दिया है जो UNOSSC के डायरेक्टर हैं जॉर्ज चेडिक को, और UNOSSC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। ओके, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विथ अमेजन टू प्रोवाइड क्लाउड सॉल्यूशंस टू लार्ज इंटरप्राइजेस एंड SMEs। किस दूरसंचार कंपनी ने बड़े उद्यमों और SME को क्लाउड समाधान प्रदान कराने के लिए अमेजॉन के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय एयरटेल ने पार्टनरशिप किया है अमेजन के साथ, ताकि जो लार्ज इंटरप्राइजेज हैं और उसके साथ साथ जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराया जा सके। जो भारतीय एयरटेल लिमिटेड के MD एंड CEO हैं वो हैं गोपाल विट्टल, और ये इंडिया के साथ साथ साउथ एशिया डिपार्टमेंट के भी MD एंड CEO हैं, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड टेस्ट फ्लाइट ऑफ अनआर्म्ड LGM-30G मिनट मैन 3 मिसाइल। किस देश ने हाल ही में
LGM-30G मिनटमैन 3 मिसाइल के परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके, यानी USA ने एक मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका नाम है LGM-30G मिनटमैन 3, ओके। तो इस मिसाइल का भी टेस्ट फ्लाइट ऑर्गेनाइज कराया गया USA में, और इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है जो यूनाइटेड स्टेट्स में कैलिफोर्निया है, ओके, कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग एयरफोर्स बेस, ओके, वैंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से लॉन्च किया गया इस मिसाइल को, और इसका टारगेट था पैसिफिक ओशियन, ओके, पैसिफिक ओशियन में इसे लॉन्च किया गया है। और मिनटमैन 3 को बनाया गया है बोइंग के द्वारा, और ये एक लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल 3 स्टेज ICBM मिसाइल, ओके, ICBM मिसाइल मतलब कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और USA की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है US डॉलर, और प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स टू ट्रैक बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल कचरे को ट्रैक करने के लिए सभी नगर निगमों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए कौन सा ऐप अनिवार्य किया गया है? तभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 BWM, ओके, ऑप्शन नंबर 3 COVID-19 BWM एक ऐप है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया है सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और उसके साथ साथ जो भी स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनके लिए, ताकि वो बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रैक कर सकें। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करके जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है CPCB ने इस ऐप को डेवलप किया है, और इस ऐप की मदद से ये इंश्योर होगा कि जो मेडिकल वेस्ट है वो डेली बेसिस पे कलेक्ट हो रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट करके जो भी रजिस्टर्ड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी हैं वहाँ पे भेजा जा रहा है डेली प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो CPCB की बात करें तो जो CPCB है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है, ठीक है। CPCB का फुल फॉर्म तो बताइए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और यहाँ के चेयरमैन हैं श्री शिवदास मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च परिवार पहचान पत्र। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है परिवार पहचान पत्र। तो जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अभी लॉन्च किया है परिवार पहचान पत्रास के PPP, एक इनिशिएटिव है जिसके द्वारा जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो उनको पीपल तक ट्रांसपेरेंट वे में पहुँचाया जा सके। इसके अलावा जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, ओके, अनिल विज ने लॉन्च किया है पहला वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, ये एक पेपरलेस ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है जो कि जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं हरियाणा की उनके जो भी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करेगा और उन कामों का मैनेजमेंट देखेगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ही कुछ दिन पहले ई सचिवालय नाम से पोर्टल लॉन्च किया था, ओके, ई सचिवालय लॉन्च किया गया था ताकि जो भी कॉमन मैन है वो चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई भी जो बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट है HODs तो उनसे अपॉइंटमेंट ले सकता है वर्चुअल मीटिंग के लिए, तो इसीलिए लॉन्च किया गया था ई सचिवालय। उसके अलावा हरियाणा में ही लॉन्च किया गया था समस्या से समाधान, एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था समस्या से समाधान, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा हरियाणा के फरीदाबाद में, ओके, फरीदाबाद में अभी हाल ही में अरावली माउंटेन्स में ड्रोन्स की मदद से बीज छिड़के गए हैं ऊपर से, ताकि जो वहाँ की हरियाली है उसको बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जा सके, तो उसके लिए ड्रोन्स का यूज़ किया गया था, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द सोशल सिक्योरिटी स्कीम शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना। किस राज्य ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना नामक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम और उसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने लॉन्च किया है इस स्कीम को, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है जो तेंदुपत्ता होते हैं उनके कलेक्टर्स के लिए, ओके, जो भी तेंदुपत्ता कलेक्ट करते हैं
तो ऐसे पर्सन्स जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट्स के हैं तो उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। तेंदूपत्ता आपने देखा होगा, जो बीड़ी होती है, बीड़ी बनाने के लिए तेंदूपत्ता का यूज़ होता है। तो जो पर्सन्स पहले तेंदूपत्ते को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट है उनसे वो परचेस करती है। और इस स्कीम का नाम रखा गया है जो कांग्रेस के लीडर थे महेंद्र कर्मा, उनके नाम पे, और इसे लॉन्च किया गया है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। तो इस स्कीम के तहत जो तेंदूपत्ता कलेक्टर्स होते हैं, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और अगर उनकी उसमें मौत हो जाती है, तो जो भी नॉमिनी हैं उनको 2 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है। या उसके अलावा अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो जो उसकी फैमिली है तो उसके फैमिली के हेड को मिलेगा। ओके, छत्तीसगढ़ की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, और कैपिटल है रायपुर। तो ये देखते हैं अब आज की वन लाइनर्स। सबसे पहले है, निरुपमा यादव ऑथर्ड द बुक विशेष कोड टू विन। निरुपमा यादव ने विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट है, अजय त्यागी गेट्स 18 मंथ एक्सटेंशन एज द सेबी चेयरमैन टिल फरवरी 2022। ओके, तो जो अजय त्यागी हैं सेबी के चेयरमैन हैं, तो इनका कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इनका कार्यकाल 18 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो अब ये इनका कार्यकाल बढ़ के हो गया है फरवरी 2022 तक का। ओके, नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया रेलवेज हैज़ यूज NTC मशीन फॉर ट्रैक कंस्ट्रक्शन। भारत में पहली बार रेलवे ने ट्रैक निर्माण के लिए NTC मशीन का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है, जयदीप भटनागर टेक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ AIR न्यूज़। जयदीप भटनागर ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है, और ये रिप्लेस करेंगे ईरा जोशी को। और लास्ट है, IISc बेंगलुरु हैज़ डेवलप्ड मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब फॉर RT-PCR टेस्ट। IISc बेंगलुरु ने RT-PCR परीक्षणों के लिए मोबाइल संक्रमण परीक्षण और रिपोर्टिंग लैब विकसित की है। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ मास अवेयरनेस कैंपेन नेम्ड एक मास्क अनेक जिंदगी। किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हरियाणा स्पोर्ट्स डेप्टी डायरेक्टर्स। हाल ही में हरियाणा स्पोर्ट्स के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बबीता फोगाट और कविता देवी, इन दोनों को ही नियुक्त किया गया है हरियाणा स्पोर्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर्स के रूप में। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करिए और सही आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पर जुड़ें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।